व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, देख लीजिए आप लोग इधर इसे पलट जाइए। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क्स ऑन आवर गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के का पालन कर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इन निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ना ही कोई एकदम टोपी डाल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ओनली है जो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है। जैसे एक आदमी को तुम अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हो पूरा, ठीक है, उसके बाद उसको बोलते जो जो बोलते वो करके ला के देता है, करता ही जैसे उठो बोले तो उठेगा, बैठो बैठो बैठे, ये सब कमांड कहलाते हैं। तो हमारे सारे कमांड हमने पहले से रिकॉर्ड कर रख दिए कंप्यूटर में, उसी के आधार पर कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर काम करता है। क्लियर है, तो परेशानी समझ में आए। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो कंप्यूटर शब्द जो बना है कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का मतलब होता है जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर का कंप्यूट शब्द का अर्थ गणना करना, गणना करना मतलब कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी कंप्यूटर कोई भी डिवाइस जिसमें कैलकुलेशन हो सकता है वो कंप्यूटर। कंप्यूट कंप्यूटर, गणित गणितकार, गणित गणितज्ञ, वैसे ही कंप्यूट से कंप्यूटर बना हुआ। क्लियर, तो कंप्यूट शब्द से बना है, कंप्यूट शब्द बना है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूट का मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। 3000 BC में एबेकस, अभी 3000 साल पहले, मतलब एडी, एडी किसको बोलेंगे, अभी चल रहा है एडी, बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी अभी जो चल रहा है वर्तमान में, है ना। तो बीसी मतलब आज से 5000 साल पहले चाइनीज लोगों ने यह आविष्कार किया था, एबेकस था, जो पीछे में दिखाई दे रहा है माला, माला लगा हुआ है, माला ऊपर नीचे करने से कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो हर एक जो लाइन है उसका मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख करोड़ दस करोड़। तो मतलब अगर मैं 5 कॉलम में मेरे में तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख करोड़ दस करोड़ होंगे, है ना, तो उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जी 5000 साल पहले जिस जमाने में गिनती नहीं आती थी लोगों को, उस जमाने में अगर एक ऐसा मशीन बना दिया जाए जो इतना दुनिया भर का कैलकुलेशन कर सकता है तो कितनी बड़ी आविष्कार थी, है ना, तो उसको भी हम कंप्यूटर मान सकते हैं मुझे मानता है। क्लियर, नेक्स्ट अगला है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में जॉन नेपियर द्वारा कैलकुलेटिंग मशीन बनाई गई। तो ये जो कैलकुलेटिंग मशीन थी वो फिजिकल मशीन थी, मतलब आज की इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसी नहीं थी, वो एक टाइपिंग मशीन जैसा होता है वैसे रहता है, एक मशीन था। समझ में, तो वो कहलाता है जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया मशीन 16वीं शताब्दी में कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 1800 AD। इसमें 1800 AD में चार्ल्स बैबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है, ठीक है। चार्ल्स बैबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था, 18वीं शताब्दी में बनाया था। उससे बता 19वीं शताब्दी में एनिक कंप्यूटर जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत थी। क्लियर, लेकिन अब 16वीं शताब्दी से चालू हुआ है कंप्यूटर बनाना, लेकिन 16, 17, 18, 19 आ गया, अभी तक कुछ नहीं आया। लेकिन 19वीं शताब्दी में 1946 के बाद रियल कंप्यूटर जो आज तुम देख रहे हो उसकी शुरुआत थी, ठीक है। तो 1946 में से पहले मार्कवन नाम के एक मार्कवन ने कंपनी ने एक पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर कैलकुलेटिंग मशीन बनाया हार्वर्ड आइकन के द्वारा, आईबीएम द्वारा प्राप्त 5000 रुपये की आर्थिक सहायता से तैयार किया गया था, ठीक है। फिर एनिक कंप्यूटर 1946 में जॉन मैक्यूली JPSP द्वारा तैयार किया था, जो अमेरिकन सेना के लिए तैयार किया गया था। क्लियर, यूनिबैक 1954, इसका पूर्ण नाम है, पूरा नाम यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर यह विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, तो 1954 में पहला डिजिटल कंप्यूटर आया, उसका नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर। उसके बाद अगला, जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो हम बोलेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? फर्स्ट जनरेशन 1945 से लेकर 1955 तक फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन क्या लाएगा? 1956 से 1965 तक। थर्ड जनरेशन क्या लाएगा? 1966 से 1975 तक। और फोर्थ जनरेशन है 76 से आज तक के कंप्यूटर। क्लियर। जैसे आप ये वर्जन समझते हो ना, जनरेशन समझते हो, है ना? आप कंप्यूटर पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, देखिए 16वीं शताब्दी से चला आ रहा है, लेकिन आज जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हम देख रहे हैं उसकी उसको अगर देखा जाए तो 1954 से रियल मायने में कंप्यूटर आना चालू हुआ। तो हम जनरेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो पहले कंप्यूटर तो बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत मतलब बहुत बड़े होते थे, शक्तिशाली नहीं बोल सकते उसको, बड़े हो सकते, बहुत बड़े होते थे, उनको अपडेट बहुत महंगे होते थे, है ना? उस जमाने में करोड़ों के रहते थे वो, तो उसको सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी बैंक वगैरह ही यूज़ कर सकते थे, और कोई यूज़ कर नहीं सकता था। कोई बैंक का भी मेन ब्रांच, ठीक है, छोटे मोटे लोग यूज ही नहीं कर सकते। देखो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मेन कंपोनेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज वैक्यूम ट्यूब। मतलब ये है कि जब पहले जनरेशन का कंप्यूटर आया, उस जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था? वैक्यूम ट्यूब इसका मेन कंपोनेंट था। मैंने जैसे ये वैक्यूम ट्यूब देख रहे हो ना स्क्रीन पे, जो दिखाई दे रहा है वैक्यूम ट्यूब, ये बल्ब है, ये जो बल्ब जैसा दिख रहा है ये वैक्यूम ट्यूब है। इसके अंदर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डले हैं, इससे सबसे पहला आविष्कार इसी का हुआ, इसी से उन लोगों ने एक परिपथ तैयार किया, एक मतलब परिपथ मतलब सर्किट तैयार किया। उन सर्किट से जो कंप्यूटर पहला बना वो कहलाता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। इन जनरेशन के कंप्यूटर की प्रॉब्लम ये थी कि बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, 4 घंटा 5 घंटा से ज़्यादा नहीं चल सकता था, और इसको जहाँ रखना है वहाँ एसी जरूर कंपल्सरी था, एसी नहीं रखते जल जाएगा ऐसा। फिर उसके बाद सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर जनरली हम लोग ट्रांजिस्टर बोलने से क्या समझ में आता है हम लोग को? रेडियो, है ना? रेडियो इसका आता है। रेडियो का मतलब क्या होता है? वैव होती है, एक रेडियो एक वैव होती है। वैव मतलब एक तरंग होता है, ठीक है, तरंग होता है जो जैसे आप रेडियो में अगर कुछ रेडियो आप जो रेडियो रहता है उसे आप चालू करते हो और गाना बजना चालू होता है, उसके अंदर कैसेट नहीं है कुछ नहीं, कैसे बज रहा है? तरंग जिससे बज रहा है ना, रेडियो वैव, जो आकाशवाणी से रेडियो वैव निकल रही है उसको रिसीव कर रहा है, समझ में? तो रेडियो वो होता है रिसीवर, जो तरंगों को रिसीव करके सिग्नल को हमको सुनाए, वो कहलाता है रेडियो कहलाता है। तो उसका पूरा नाम था ट्रांजिस्टर रेडियो, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब नहीं था, ये था, डायोड कहलाता है, पीएनपी डायोड, डायोड कहलाते हैं नॉर्मली, तो डायोड भी बोलते हैं और ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, सामान्य शब्दों में ट्रांजिस्टर बोलते हैं, डायोड साइंटिफिक में बोलेंगे। तो इनकी सहायता से जब कंप्यूटर बनना चालू हुआ तो कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, ठीक है, जहाँ पूरा इतना बड़ा हॉल लगता था कंप्यूटर, अब छोटे से कंप्यूटर कंप्यूटर में आ गया, इतने हमारा जो किचन इतना बड़ा कंप्यूटर में आ जाएगा या रूम में आ जाएगा, कंप्यूटर इतना बड़ा हॉल, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट क्या था इस समय में? पीएनपी डायोड, ठीक है, या ट्रांजिस्टर। इसलिए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं, हाँ, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे छोटे हो गए, और सब मेन कंपोनेंट था डायोड या ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर वाला कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन। और ट्रांजिस्टर रेडियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें भी ये आविष्कार हुआ, और इस आविष्कार के कारण पहले के ज़माने में रेडियो जो रहता था ना वो ये कमरे जितना बड़ा रहता था, तो लोग हाथ में ले लेके सुनना चालू कर दी, तो वहाँ दादा परदादा के समय में आया, नया नया रेडियो आया, लेकिन हाथ में आ गया, पहले तो उतना बड़ा सेटअप लगता था रेडियो के लिए, तो इसके कारण हुआ। जहाँ जैसे बाहर में आविष्कार हुआ वैसा कंप्यूटर के साथ भी हुआ, कंप्यूटर के साथ छोटा हुआ। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में तीसरे जनरेशन में एक नया चीज का आविष्कार हुआ, उसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। रेडियो देखो, तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट टूटा हुआ देखो, बोर्ड रहता है, बोर्ड रहता है, देखो, है ना, पीसीबी बोर्ड रहता है, बोर्ड रहता है, तो उसके मदर बोर्ड या ऐसा बोर्ड, सारे बोर्ड रहते हैं, तो बोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट रहता है ना
बोर्ड में जो जितने कंपोनेंट रहते हैं ना वो उसके पार्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो आईसी है, अगर पहले के जमाने में देखो, पहला कंप्यूटर सिर्फ वैक्यूम ट्यूब बना था, कितना बड़ा था, एक कॉइल जितना बड़ा था। सेकेंड वाला वैक्यूम ट्यूब प्लस वो डायोड से बना तो छोटा हो गया, ठीक है। ये आईसी जो है अकेले सैकड़ों वैक्यूम ट्यूब और या हजारों वैक्यूम ट्यूब और सैकड़ों पीएनपी डायोड के बराबर था। तो अब ये सर्किट जो इतना जितना बड़ा बनेगा वो कितने में हो गया, इतने में हो गया, ठीक है। वो सर्किट छोटा सा हो गया, इतना बड़ा हो गया, हाथ में फिट हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया। तो उस सर्किट की वजह से, उस आईसी की वजह से कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया। जो आप देख रहे हो कंप्यूटर इतना बड़ा हो गया, ठीक है। और आईसी के बाद एक और आईसी बनी, उसका नाम है VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। उसको हम लोग सीपीयू के नाम से जानते हैं, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू या प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। कोर 2, ड्यूअल कोर, पेंटियम, i3, i4, i5, ऐसा सुनिए मार्केट में, है ना, ये सब उसी VLSIC का नाम है। वो कंप्यूटर का ब्रेन बन गया, ठीक है। जो जितना बड़ा बोर्ड बनता है वो इतने से भी सुन गया, और वो क्या बन गया, आपका कंप्यूटर आज एक डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सब उसी कंप्यूटर, क्लियर है। ये कहलाता है VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, क्लियर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बाद अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वॉइस रिकॉग्निशन एंड इमेज कंट्रोल इज द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर छोटा हो गया, अब तो आप कंप्यूटर आपके हाथ में आ गया, मोबाइल में आ गया, अब क्या लैपटॉप कर सकते कंप्यूटर को, अब क्या की, अब प्रमोशन क्या वो कंप्यूटर का, अब वो कंप्यूटर की मेमोरी को बहुत यूटिलाइज की, उन्होंने यूटिलाइज करके अब क्या करके कंप्यूटर का मेमोरी कैसा बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है दिमाग, सोचने समझने की शक्ति। कंप्यूटर अगर आप नहीं चला रहे हो थोड़ी देर पर छोड़ दो तो बंद कर देता है। जैसे एक अगर आपने अपने घर में एक कुक रखा है ना, खाना बना के देखो पीछे बंद हो गया, तो खाना बना के तुम्हारी मम्मी क्या करती है, देखती है अगर तुम बिजी हो तो क्या करेगी, ढाक के रख देगी ना, ऐसा भी लगेगी पकड़ के खड़ी हो जाएगी, है ना। अगर मम्मी की बुद्धि नहीं लगा तो खड़ी रह जाएगी, बुद्धि है इसलिए कर दी, वैसे कंप्यूटर आपने यूज नहीं किया तो बंद हो गया अपने आप, ठीक है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चेहरा पहचानने की सक्षमता। तुम अपने दोस्त को अपने घर में कैसे आने देते, तुम पहचानते हो कंप्यूटर को। अगर आजकल कंप्यूटर में आजकल इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, तो जैसे कोई आता है दरवाज़ा, कुछ जगहों के दरवाजे ऐसे रहते हैं जो आपका चेहरा देखेगा स्क्रीन पे कि दरवाजा खुलेगा, है ना, या कुछ ऐसे दरवाजे रहते हैं जब आप पाँव रखोगे तो अपने आप दरवाजा खुल जाता है। जैसे बड़े जिम SBI का बहुत बड़ा ब्रांच है वो ऐसा है, और मॉल वगैरह में भी रहते हैं, आप घुसोगे कमरा जैसे ही पाँव पैर रखोगे खुल जाएगा दरवाजा, है ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसा काम कौन करता है, इससे पहले दरबान रहता है, वहाँ पर दरबान क्या करता है, देखता आदमी आ रहा है खोल दो, तो उसने उस डोर ने क्या कर दिया, एक कंप्यूटर फिट कर दिया डोर में और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा दिए, तो वो दरबान का पेमेंट जो हर महीने 5,000-10,000 देना है, अब वो कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, बच जाएगा पैसा, उसके मेंटेनेंस में खर्चा होंगे, मेंटेनेंस में तो उससे कम ही खर्चा होगा, लाइट और ज़्यादा उसका पैसा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर को जनरेशन के आधार पर इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन खत्म हो गया, अब कंप्यूटर जो आ गए हैं उनको टाइप के आधार पर 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, वो कंप्यूटर जो फिजिकल क्वांटिटी को चेंज मतलब कैलकुलेट करता है, ठीक है। वो कंप्यूटर जो फिजिकल, देखो ये है एनालॉग कंप्यूटर, क्लियर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा इन लोगों को कैलकुलेट करता है। जैसे आप जैसे भूकंप आता है तो देखते हो कि न्यूज़ वगैरह में आपके टेलीविज़न में और न्यूज़ में दिखाता है रिएक्टर पैमाने में 5 नोट किया गया, 6 नोट किया गया, 7 नोट किया, ठीक है।
तो वो क्या चीज़ नाप रहा है? जमीन के कांपने को नाप रहा है। तो जमीन भी हल्का हल्का हिलते रहता है, बहुत बहुत धीरे धीरे हिलते रहता है, वो पता नहीं चलता मुझे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हिल जाता है तो घर वर गिर जाते हैं, तब उसको भूकंप कहलाता है। ठीक है, तो रिएक्टर जब भूकंप होता है तो रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? एनालॉग कंप्यूटर। फिजिकल चीज़ों को, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा को कैलकुलेट करने वाला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। जैसे जनरली हम लोग बैंक में देखते हैं, ठीक है, ऑफिशियल जगहों पे देखते हैं, कैलकुलेशन वगैरह काम होता है, ग्राफ बनाते हैं, तो वो सारे काम कौन करता है? डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर बना दिया जाए जो फिजिकल क्वांटिटी को भी कैलकुलेट करे, डिजिटल क्वांटिटी को भी कैलकुलेट करे, और सबका एक मिश्रण तैयार करे, वो कहलाता है हाइब्रिड। ठीक है, अरे वैसे तो आज देख रहे हो जितने भी कंप्यूटर सब हाइब्रिड कंप्यूटर ही है, बस डिवाइस की लगाने की देरी है। जैसे अपन जैसे एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम मशीन में क्या करता है? पैसा गिनता है और आपको निकाल के देता है। ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं? फिजिकल काम, पैसा गिनना देना। दूसरा क्या कर रहा है? कंप्यूटर जुड़ा रहता है, वो क्या करता है? आपकी चिप की सहायता से आप जो एटीएम कार्ड डालते हो उसकी मेमोरी की सहायता से क्या करता है? संदेश कहाँ भेज देता है? सर्वर रूम में भेज देता है। सर्वर रूम में भेज के आपके अकाउंट से उतना पैसा गायब कर देता है। जैसे मान लो 10,000 आपके पास है, 1,000 रुपये निकालना है, तो आपने बैंक में अकाउंट में जमा किया, वहाँ निकाल लिए, तो 1,000 रुपये कटना ही चाहिए। तो काटा पीटने का काम कौन कर रहा है? डिजिटल कंप्यूटर। और पैसा गिनती कौन दे रहा है? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो दोनों को एक ही जगह में एटीएम मशीन में, तो क्या कहलाएगा? वो हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ यही, आप जैसे आप लोग देखते हो चंद्रमा पे चंद्रयान भेजना है, एटॉमिक टेस्ट करना है, फिजिकल भी डिजिटल भी, तो दो जगह क्या चाहिए अपने को? हाइब्रिड कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो सारे कंप्यूटर क्योंकि मैं बोला बाई डिफॉल्ट हाइब्रिड ही है, क्यों? क्योंकि उसमें डिवाइस लगा दो वो हाइब्रिड बन जाएगा। टेम्परेचर मशीन लगा देता हूँ उसमें, वो कंप्यूटर कैलकुलेट करके तुमको दिखाना चालू कर देगा, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो सब कंप्यूटर हाइब्रिड। ओके, बस डिवाइस लगाने के लिए। तो नेक्स्ट हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर को हम लोग चार भागों में और डिवाइड करते हैं। पहला भाग है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा रहता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप, अभी जिसकी बात कर रहा था मैं, ड्यूल कोर, कोर 2, i3, i4, i5, है ना, ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जो एक सिंगल प्रोसेसर की वजह से एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके पास है, आप लोग के पास जो यूज करते हैं, वो लोग सिंपली घर में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर है। उसको माइक्रो कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा है, और उसको पर्सनली यूज किया जाता है, इसलिए उसको पीसी भी बोला जाता है। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, और डेस्कटॉप पीसी क्यों बोलते हैं? डेस्कटॉप भी बोलते हैं। डेस्कटॉप का मतलब ये मतलब कंप्यूटर। डेस्कटॉप ये है डेस्क, ये डेस्क है, इसके ऊपर कैसे टॉप। पीसी मतलब डेस्कटॉप पीसी है, पूरा नाम है डेस्कटॉप पीसी, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर रखने वाला पर्सनल कंप्यूटर। जनरली लोग आगे का छोड़ देते हैं, डेस्कटॉप बोलना चालू करते हैं। डेस्कटॉप तो ये है भाई, पीसी तो वो थोड़ी कंप्यूटर, थोड़ी डेस्कटॉप है, उसका पूरा नाम है डेस्कटॉप पीसी। तो डेस्क के ऊपर रख के रखते हैं उसे, डेस्कटॉप पीसी है। इसका ये लैपटॉप नहीं है, ये लैपटॉप पीसी है, लैपटॉप कंप्यूटर है, नॉट ये नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं, नोटबुक पीसी भी बोलते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं। लैपटॉप ये है हमारे पैर का ऊपर का हिस्सा, कई लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं। लैपटॉप है ये भाई, लैपटॉप नहीं है वो, लैपटॉप ये है हमारा, लैप है, इसके टॉप है, इसको लैपटॉप बोलते हैं। आपके पास सबके पास लैपटॉप है वैसा, समझेगी? तो ये क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर है। वो वो जनरली भ्रांति और गलत चीज़ें मार्केट में डील हो जाती है ना, एक अफवाह टाइप का हो जाता है, वो ज़्यादा उसको पकड़ लेते हैं लोग। तो ये लैपटॉप नहीं है भैया, ये क्या है? लैपटॉप इजी है, कंप्यूटर ही है ये। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको इसके लिए डेस्क की जरूरत नहीं है। मैं इसको चाहूँ तो, जैसे कार में अगर मैं विजिट कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मैं इसको कार में अपने कार में बैठा हूँ तो अपने पैर के ऊपर रखूँगा और काम करना चालू कर सकता हूँ। दैट कॉल लैपटॉप पीसी।
लैपटॉप के ऊपर रखने वाला, दूसरा है आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं आज, है ना, दैट इज ऑल्सो अ पीसी, वो भी एक पर्सनल कंप्यूटर है, उसे स्मार्टफोन बोला जाता है, ना कि फोन। स्मार्टफोन का मतलब मोबाइल फोन, स्मार्टफोन एंड पाम टॉप, हथेली में रख के काम करने वाला कंप्यूटर, तीन चीज एक जगह आ गई, ठीक है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर समझ में आ गया ना, ये जो अपन मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें भी सीपीयू है, उसमें भी मेमोरी है, उसमें भी रैम है, उसमें वो सब कुछ कर सकते हैं जो कंप्यूटर में कर सकते हो, बस ये है कि उसको हथेली में रख कर सकते हो, तो पाम टॉप कंप्यूटर हथेली में रखने वाला कंप्यूटर, ऐसा नहीं पाम टॉप। अब जनरली लोग वो बोलते हैं एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन है ना, तो एंड्रॉयड मोबाइल क्यों, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, मोबाइल जरूरी नहीं कि सिर्फ एंड्रॉयड का ही हो, बहुत सारे आईओएस होते हैं, एप्पल आईओएस भी होता है, ठीक है, एप्पल का भी आईओएस होता है, और दूसरे एचटीसी का भी रहता है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर है ना, तो ये कंप्यूटर है माइक्रो, इनका भी एक मोबाइल आता है, एचटीसी कंपनी होती है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें रहता है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, नोकिया जो रहता है उनका सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ठीक है, और जनरली गूगल और जैसे एमआई वगैरह यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाद में अपन बात करेंगे एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ओएस के बारे में बात करेंगे तो बात करेंगे उसमें, ठीक है, लेकिन वो भी समझ लीजिए एक कंप्यूटर ही है, क्लियर। अगला तो समझ में आ गया, पीसी मतलब क्या है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर मतलब यह एक प्रकार का सर्वर होता है, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, एक प्रकार का सर्वर जो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली है, और ये क्या करता है, अकेले सैकड़ों माइक्रो कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है, मतलब एक सर्वर है मेरे पास, उसमें मैं सारे कंप्यूटर को एक साथ शट डाउन कर सकता हूँ, चालू कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, उनकी फाइलों को शेयर कर सकता हूँ, फाइलों को डिलीट कर सकता हूँ, ये सब काम एक जगह से बैठ के कंट्रोल करते हैं, उसमें सर्वर, जैसे अगर सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक में चले जाओगे तो चार पांच लोग बैठे हैं वहाँ पर, है ना, सबके पास एक ही कंप्यूटर है, लेकिन सर्वर ऊपर में रहता है, ठीक है, और सर्वर में जाएंगे, सर्वर में जो बैठा रहता है ना, सर्वर में वो सारे कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है, सभी कंप्यूटर को बंद कर सकता है, सर्वर बंद तो सारे कंप्यूटर बंद, समझ में, तो सर्वर बहुत पावरफुल, थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल रहता है इनसे, और अकेले सबको हैंडल करता है, क्लियर हो गया सर्वर। फिर उसके बाद मिनी के बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम सर्वर का सर्वर है, समझे, दिस कंप्यूटर इज डिजाइन टू हैंडल ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दिस कैन सपोर्ट मोर देन 100 यूजर एट सेम टाइम, दिस इज वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, एक तरीके से मतलब ह्यूज मतलब बहुत बड़ा डेटा रखने के लिए, जैसे ये बैंक में अगर चले जाएं, यहाँ पर कम से कम 1,000-10,000 लोग का, 1,000-2,000 लोग से ज़्यादा लोग का बैंक अकाउंट होगा, रोज पैसे जमा करना निकालना, तो हजारों करोड़ दिख रहे हैं यहाँ पर। अब ये समझ लो रायपुर में कितने ब्रांच है SBI के, आस पास देखते जाओ तो SBI के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, है ना, अब ये सब के डेटा सबके पास 10,000 कस्टमर होंगे, अब सब कस्टमर को ये इनका एक मेन जो जगह हब है उस जगह पर जितने कंप्यूटर हैं वो अपना डेटा रखते होंगे, वो क्या कहलाएगा, मेन फ्रेम, सर्वरों का सर्वर कहलाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, उस जगह पे पूरे बैंकों के डेटा आके स्टोर होते हैं, ठीक है, समझ में आया, तो इस तरीके से सर्वर से बड़ा जो सर्वर होता है मेन फ्रेम कहलाएगा, क्योंकि जीरो का मतलब करोड़ों अरबों रुपये है, तुम्हारे पास 1,000 रुपये है, मैं जीरो बढ़ा, दो में जीरो बढ़ा दे लाख हो गया, एक और जीरो बढ़ा दे करोड़ हो गया, तो डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक बोन है, जैसे आपके शरीर से अगर मैं रीढ़ की हड्डी गायब कर दूं तो क्या होगा, खड़े भी नहीं हो पाओगे, अगर मांस के लोग खड़े बन जाओ, है कि नहीं, तो स्ट्रक्चर बनाता है ना आपका रीढ़ का हड्डी, वैसे ही किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है उसका डेटा, और डेटा को जितना ज्यादा बहुत जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उतनी ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, हैंडल कर सकता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर, अब सुपर कंप्यूटर क्या है, अब इससे भी बड़ा कोई कंप्यूटर होता है क्या जो हजारों करोड़ों अरबों डेटा को स्टोर कर सकता है, उससे बड़ा, हाँ होता है, उससे भी बड़ा एक कंप्यूटर होता है, वह सुपर कंप्यूटर। जनरली ये कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए नहीं होता, ये सेना, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसरो जैसे नासा ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर है उस जगह पे रहता है,
कि क्या काम करता है, ये सेटेलाइट वगैरह लॉन्च करना, इस टाइप के काम को करता है, सेटेलाइट लॉन्च करना, परमाणु बम टेस्ट करना, ऐसी चीज़ों के लिए काम आता है, ठीक है। लेकिन देखो इसके बारे में एक स्टोरी है। In mid 1980, India desperately needed a supercomputer to improve their monsoon forecasting capabilities. They had tough time to getting one from US. 1980 में हमारा रशिया के साथ बहुत अच्छा दोस्ती था, झगड़े हो रहे थे। अगर इतिहास में जाओ तो देखोगे कि पाकिस्तान उसी समय अलग हो रहा था, दो पाकिस्तान के टुकड़े हुआ था, रशिया से दोस्ती थी, अमेरिकन हमारे खिलाफ थे उस समय में। तो उस समय में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाला कंट्री अमेरिका। हमारे पास हमारा जो सिस्टम है वेदर फॉरकास्टिंग पे चलता है, मतलब हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, हमारी ज़्यादातर जो कमाई है, हमारी ज़्यादातर कमाई किस पे बेस है, कृषि पे। और कृषि किस पे बेस है, मानसून पे। हम गड्ढा खोदिए पानी निकाल के खेती तो नहीं करते, बस है ना, मानसून पे डिपेंड है। हमारा मानसून कब आएगा, कब जाएगा, कितना पानी गिरेगा इस मानसून में, वो सब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मानसून की फॉरकास्टिंग के लिए सेटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है, सेटेलाइट लॉन्च करके उसे मॉनिटर करने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत है। तो उस समय हम लोग, हमारे इंडिया के लोगों ने जब अमेरिका से कंप्यूटर मांगा तो मना कर दिया, सुपर कंप्यूटर, उन्होंने टेक्नोलॉजी मांगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी, तो भी उन लोगों ने मना कर दिया, यूएस ने मना कर दिया, क्योंकि दूसरे देश को नहीं देखना ऐसा है। तो इंडिया के साइंटिस्ट लोग जाके, इंडिया सुपर कंप्यूटर, इंडिया के साइंटिस्ट लोग जाके उन्होंने अपना खुद का एक सुपर कंप्यूटर तैयार किया, ठीक है, इंडियन सुपर कंप्यूटर दैट मेड अ मार्क इन द वर्ल्ड मार्केट वॉज द मल्टीपर्पज हाई स्पीड मशीन नेम फोरम। क्लियर, तो इंडियन सुपर कंप्यूटर that made a mark in the world market was the multipurpose high speed machine named Param. India के साइंटिस्ट जाके और अपना सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया है, वो है Param, ठीक है। और Param also वही काम कर सकता था जो सारा काम US की कंपनी कर सकता, US का कंप्यूटर कर सकता था। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर है इंडिया वर्ल्ड में नंबर टू पे आता है, कल भी और आज भी आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडियन साइंटिस्ट लोगों ने दिखा दिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हमने बनाया। क्लियर, तो Param कंप्यूटर के वर्जन है Param 8000, Param 8600, Param 9000, Param पद्मा, ठीक है, ये सब उसके कंप्यूटर के नाम। अगला है सुपर कंप्यूटर है, अगला नहीं है, वो सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले वर्ल्ड में बनाया गया उसका पिक्चर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। वो पिक्चर है सुपर कंप्यूटर का इनक्रेडिबल क्रे 1, ओके, क्रूजेस एट 80 मिलियन ऑपरेशन अ सेकंड, 80 मिलियन ऑपरेशन, अंदर 8 करोड़ ऑपरेशन अ सेकंड कर सकता है, एक सेकंड में 8 करोड़ ऑपरेशन किसको बोलते हैं। ऑपरेशन मतलब ऐसा नहीं है कि तीर भार, वो काम 8 करोड़ काम एक साथ कर सकने वाला, क्या लग रहा है, क्रे 1 किसने बनाया था, जिम सेप्टर ने, उसके बाद इंडिया ने भी बना लिया, लेकिन नंबर वन तो नंबर वन ही होता है, हर कोई जानता है सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया, नील आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, नील आर्मस्ट्रांग गया कि नहीं गया, ठीक है, तो दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ बिट एंड बाइट, हायरार्की ऑफ बिट एंड बाइट मतलब एक बिट बराबर 0 और 1, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 byte equal to 1 kilobyte, 1024 kilobyte equal to 1 megabyte, 1024 megabyte equal to 1 gigabyte and 1024 gigabyte equal to 1 terabyte. तो लिखा भी हुआ है, लेकिन क्या हायरार्की ऑफ बिट एंड बाइट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एक बिट बराबर 0 1। अब क्या होता है, जब आलू खरीदने जाते हो तो किसमें खरीदोगे, किलो में, उसमें खरीदोगे नहीं, मालूम खरीदे नहीं उसमें, आलू खरीदोगे तो किलो में खरीदोगे, तेल खरीदोगे तो, दूध खरीदोगे तो, है ना, तो दूध खरीदेंगे लीटर में, आलू खरीदेंगे किलो में, तो वैसे कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो किस में खरीदेंगे। तो कंप्यूटर को जज करते हैं हम लोग उसकी मेमोरी पे, कितना मेमोरी रख सकता है। मैं बोल रहा हूँ डेटा को मैनेज करना ही सबसे बड़ा काम है कंप्यूटर का, ठीक है। तो डेटा के लिए मेमोरी चाहिए, मेमोरी, अब मेमोरी कैसे काम करता है, देखो 1 बिट कंप्यूटर में, 1 बिट का मतलब समझ लो 0 या 1, कंप्यूटर इंटरनेशनल ओनली 0 और 1, ठीक है। सेकंड 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट मतलब 1 बाइट में
8 बार 0 या 8 बार 1 आएगा, उससे एक अक्षर स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर में, ठीक है। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, मतलब 1 किलोबाइट में कितने अक्षर स्टोर कर सकते हैं फिर? 1000, 1000 अक्षर स्टोर कर सकते हैं। 1000 अक्षर मतलब एक पेज मान लेते हैं, ठीक है। अब एक एमबी बराबर 1000 KB, 1024 KB, मतलब 1000 पेजेस मान सकते हैं। एक बड़ी मोटी अगर बुक ली जाए तो 500 पेजेस की रहेगी। दो अगर बड़ी बड़ी बुक देंगे 1000 पेज में दो बुक आ जाएगी, तो एक एम बी में कितनी बुक आ गई? दो बड़ी बड़ी बुक आ गई, ठीक है। 1GB = 1024 MB, दैट मीन्स कितना बुक? 2000 आपका डेटा किसमें आ जाएगा? 1GB में, वन और फिर 1TB में, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर है ना। तो इस तरीके से अगर आपको अगर मालूम रहेगा तो आप जाएंगे मार्केट जाएंगे और सामने वाले से बोलेंगे भैया मेरे को कंप्यूटर चाहिए, तो मेमोरी का अलग बताएगा, रैम इतना GB है, हार्ड डिस्क इतना GB है, इतना प्रोसेसर है, ये सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो उसको आप जज करेंगे किसके आधार पर? इस आधार पर, है ना। तो अब आप मैम भी बढ़ाए कि जी बी बढ़ाए? जी बी बढ़ाए। जी बी से बढ़ा क्या होता है? TB, टेराबाइट। क्लियर हो गया, समझ में आया। फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतने ही रखते हैं।